कांग्रेस पार्टी से इंदौर के लोकसभा उम्मीदवार पंकज संघवी रोड शो करते हुए अपना नामांकन पत्र भरने पहुंचे। राजबाड़ा से शुरू होकर ये रोड शो कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा। इस रोड शो में पंकज संघवी के साथ ही कांग्रेस की महिला नेत्री और मध्य प्रदेश की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा भी शामिल हुई। शिवराज सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के क्या हाल हुए हैं, इस पर शोभा ओझा ने तंज कसा। मामा के चलते 15 साल में क्या हुआ, 21,000 किसानों ने आत्महत्या करी, तभी भी मामा याद आया था। जब 6 किसान को आतंकवादियों की तरह भुना गया था मंदसौर में, तभी भी मामा याद आया था। जब लगातार नंबर एक पर मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के लिए था, रेप और गैंग रेप के लिए था, तभी भी मामा याद आता था, पर मामा कहीं था नहीं तब। और अब मामा पूरी तरह से बौखला गया और केवल भाषणबाजी कर रहा। 15 साल का समय प्रदेश ने उनको दिया काम करने के लिए, तब मामा कहाँ था जनता ये पूछ रही है। जनता कह रही है कि मामा बिस्तर बोरी हमने बांध दिया है, अब आप भी समझ जाओ कि एन केन प्रकार आप कांग्रेस की सरकार को गिरा नहीं सकते। विधायक हमारे ईमानदार है, कोई बिकाऊ नहीं है, तो मामा ये सपने सरजोना बंद करो और अब तो कुछ काम कर लो, ये जनता कह। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने भी इस दौरान प्रदेश की पूर्व शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। शिवराज जी ने जैसा बीजेपी का अंत किया है मध्य प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए, फिर उनके बाद उनकी बात कहे तो ज़्यादा अच्छा है। मामा का जहाँ तक प्रश्न है, एक आडंबर वाला मामा, शकुनी मामा, कंस मामा, इस तरह का मामा का व्यवहार था। बहनों के पतियों को जेल जाना पड़ रहा था, भांजे भांजियों को आत्महत्या करनी पड़ रही थी, और यहाँ तक कि बहनों को भी अत्याचार में कोई कमी नहीं थी। मैं समझता हूँ ऐसे मामा को जितनी जल्दी रुखसत किया वही अच्छा है। राहुल गांधी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो फिर तो उनकी समझ पर तरस आता है मुझे। राहुल गांधी इस देश के हमारे प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस के नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनेगी, देश की जनता, देश के युवा साथ चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, क्या हुआ 1-2 करोड़ रोजगार का, किसानों की डबल आय का, युवाओं के साथ संस्कार का, स्किल इंडिया, स्केल इंडिया, क्या हुआ, क्या हुआ 470 सैनिकों की शहादत 5 साल में करवाई दूसरी कोई सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जिसमें कारगिल हुआ था तब भी नहीं हुए थे, इतने फेल रहे मोदी। तो जो लोग अपने गिरेबा में झांके फिर बोले। इस दौरान पंकज संघवी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को जम कर कोसा। उनके नेता बिना बुलाए नवाब शरीफ से मिलने चले जाते हैं। कारगिल का युद्ध उनके नेता के समय होता है, कब्जा हो जाता है। हमारे नेता के समय तो कोई कब्जे नहीं हुए। हमारी नेता इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बता दिया कि नेता क्या होती है। माननीय अटल जी को बोलना पड़ा कि दुर्गा है, आज एक टुकड़ा तो और करके बताइए। सर्वप्रथम पानी की समस्या को लेकर पहला साल करेंगे, जीतने के बाद सर्वप्रथम पानी की समस्या दूर कराई जाएगी। बहुत परेशान है लोग इनके राज में, 15 साल ने समुचित व्यवस्था नहीं करी। जहां टंकियां नहीं है वहां टंकियां बनाई जाएगी, जहां पर नर्मदा की लाइन नहीं है वहां नर्मदा की लाइनें डाली जाएगी। सर्वप्रथम ये काम करेगा। गंभीर पे देपालपुर में गंभीर पे ब्रिज बनाया जाएगा, अब गंभीर पे बनेडिया पे तालाब खोदा जाएगा और चंबल पर अपने डैम बनाया जाएगा, ठीक है, उस पर डैम बनाया जाएगा और बनाया जितने शहर के आसपास गांव में तालाब है उसको खोदा जाएगा, उसमें पानी का स्टोरेज बढ़ेगा, वो काम करा जाएगा हमारा सर्वप्रथम। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इंडस्ट्रियां खोली जाएगी। हमारे नेता ने कहा है कि 5 साल तक कोई लाइसेंस लेने की। शोभा ओझा के साथ ही इस रैली में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी एवं यूपी के रामपुर से लोकसभा उम्मीदवार संजय कपूर और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। टैलेंटेड इंडिया न्यूज से निमिष भंसाली। अगर
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।